सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी मज़ेदार एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों हम कई बार इतने बिजी होते हैं कि हम किसी की कॉल या फिर नोटिफिकेशन या फिर किसी की मैसेज को हम नहीं देख पाते और हम कई बार ऐसे मिस भी कर देते हैं कोई ज़रूरी काम हो तो किसी को मैसेज पे या कॉल पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो और आपका फ़ोन साइड में रखा हुआ है और किसी ने कोई मैसेज कर दिया या फिर किसी की कॉल आ गई तो आपको दूर से एक लड़की बोल के बता देगी कि ये कॉल किसका आया है और आप इसे उठा लीजिए या नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो भी मैसेज आएगा वो लड़की आपको बोल के बता देगी कि किस का मैसेज है और क्या बोल रहा है मैसेज में। बाकी आप जो भी वर्ड ब्लॉक करना चाहो वो कर सकते हो कि कौन से वर्ड वो अपनी स्पीकिंग में ना बोले। तो दोस्तों अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किरसन, टेक्निकल के किसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में इस बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी जो कि मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। तो देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन अवतार से नाम एप्लीकेशन है। जब भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपनी परमिशन देनी होगी ताकि ये अपनी नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सके। आपके फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन आएंगी तभी तो एप्लीकेशन अपना काम अच्छे से कर पाएगी। तो दोस्तों ये करने के बाद आपको बैक आ जाना है और इस एप्लीकेशन को परमिशन देनी है जो कि इसके लिए ज़रूरी भी हैं। तो दोस्तों परमिशन देने के बाद तो दोस्तों ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो देख सकते हो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको ऑन ऑफ़ करना है तो यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, जो भी आपको सेटिंग दी जाएगी। यहाँ पे DND एक्टिवेट कर सकते हो कि आपके इस टाइम पे कोई भी नोटिफिकेशन कॉल आए तो ये एप्लीकेशन हमें बोल के ना बताए। प्रीव्यू ले सकते हो कि एप्लीकेशन कैसे बोलती है, कैसे काम करती है। यहाँ पर आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर डिफ़िकल्ट वॉल्यूम सेट कर सकते हो। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। एप्लीकेशन आपको थोड़ी बहुत ऐड देखने को आपको मिल सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों सेटिंग में आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि दिखाने वाला हूँ। और देखिए दोस्तों, इसमें आप इन लड़कियों को चुन सकते हैं, मतलब कौन सी लड़की आपको नोटिफिकेशन दे जबकि जब भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन या कॉल आए तो आप यहाँ पे इनसे सेट कर सकते हैं इनको, कौन सी लड़की आपको नोटिफिकेशन में मैसेज बोल के बताएं। यहाँ सेटिंग में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारे ऑप्शन आपको ऊपर के चार ऑप्शन आपको परमानेंटली ऑन रखने होंगे ताकि एप्लीकेशन अपना काम कर पाए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। OTP ऑप्टिमाइज नोटिफिकेशन, ये प्रोक्सी मोड, जब भी आपका मोबाइल जेब में होगा तो आपके पास किसी भी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जब भी आपका मोबाइल बंद होगा ना, मतलब आपकी जेब में होगा तो आपके सेंसर के थ्रू उसे पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल जेब में है, तो ऑटोमेटिक जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो हाइड हो जाएगी वहीं की भी। जब भी आप अपने डिस्प्ले पर ऑन करोगे, मतलब डिस्प्ले को, तभी आपको नोटिफिकेशन शो होगी। ऐसा कुछ अगर सेट करना चाहते हो वो भी सेट कर सकते हो। आपको बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों इसमें आपको मिल जाते हैं। स्पीक ऐप ने, जैसे कि अगर आपके पास कोई मैसेज आ जाता है तो आपका नाम लेके एप्लीकेशन बोलेगी। तो जैसे एग्जांपल आपका नाम कुछ भी है राहुल, तो राहुल जी आपके पास इसका मैसेज आया है और इस मैसेज में ये बोल रहा है। आपको यहाँ पर अपना नाम सेट करना है इससे पहले, आपको यहाँ पर स्पीक ऐप नेम पर क्लिक करके फिर आप अपना यहाँ पे नाम सेट कर लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए ताकि एप्लीकेशन जब भी आपका नाम लेके बोलेगी। यहाँ पे आप टेक्स्ट को वो कर सकते हो जो भी आप ब्लॉक करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे कोई किसी को कोई ऐसे ज़्यादा मैसेज करता हो तो उन्हें आप वर्ड को ब्लॉक कर सकते हो ताकि लोग ना सुन पाए आसपास के लोग, अगर आपके पास नोटिफिकेशन पर ऐसे को बोला जाता है तो। यहाँ पर वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो कि कितने मैसेज की लिमिट हो, तो यहाँ पर फुल कॉन्टेंट कर लीजिए आप। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे ऑप्शन इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिल जाते हैं। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है टॉकिंग नोटिफिकेशन बार। तो दोस्तों काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों टॉकिंग नोटिफिकेशन गर्ल नाम से एप्लीकेशन है, फर्स्ट रिजल्ट पर यही एप्लीकेशन आएगी और 10 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। 4 MB की एप्लीकेशन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इस रेड कलर के बटन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी इस बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।